वेलकम टू माय किचन। मैं हूं मनीषा। आज मैं आपके लिए बहुत यूनिक रेसिपी लाई हूं दोस्तों, सिंघाड़े का अचार। सिंघाड़े की रेसिपी ज़्यादातर हम लोग उपवास में खाते हैं, बट मैं आज आपको सिंघाड़े का छिलके वाला अचार बनाना बताऊंगी। बहुत ही टेस्टी लगता है, एक बार ट्राई जरूर करिएगा आप। ये हमारी सासू माँ की रेसिपी है, आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं कि हमारे सिंघाड़े का अचार बनाने में किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। देखिए, हम सिंघाड़े का अचार बना रहे हैं, ये हमारा तुरंत वाला हुआ है यानी कि इंस्टेंट, तो फटाफट इसको बनाना है। तो हमने ये सिंघाड़ा लिया हुआ है, ये हमारा रेड कलर का है, कहीं कहीं ग्रीन होता है, कहीं रेड होता है, किसी भी तरह का आप ले सकते हैं। और हमने आपको दिखाने के लिए, देखिए ये कांटे वाला ऐसा होता है, इसे कांटा हमें निकाल देना है। ये साइड से हमने निकाल देंगे और जो यहाँ से जड़ होती है वो भी हटा देंगे, एक्स्ट्रा चीज। अब इसे हमें कट कर लेना है, देखिए बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसे चार भागों में कट करें। और ये छिलका सहित ही बनाया जाता है अचार, बहुत ही अच्छा लगता है, हमारी सासू माँ बनाती थी, बहुत अच्छा और बहुत फायदेमंद भी होता है। इस तरह हमने सारे सिंघाड़े को कट कर लेना है, ये इसके कांटे हम निकाल देंगे ये ऐसे, और इसे हम चार टुकड़ों में काट लेंगे, जैसे छोटा बड़ा हमारा होता है उसी प्रकार से। अगर छोटा है तो दो टुकड़ों में और बड़ा है तो चार टुकड़ों में। इसे हम साइड में रखते हैं, अभी कट कर लेंगे। और इसके मसाले हम देख लेते हैं। इसमें डालेंगे हम एक बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर, और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, एक टीस्पून करीब हमारा ये लाल मिर्च पाउडर है, आप हरी मिर्च भी ले सकती हैं, जैसे तीखा कम ज़्यादा खाती हूँ। और दो बड़े चम्मच हमारी ये सरसों के दाने हैं, काली सरसों के दाने हैं। और ये दो बड़े चम्मच हमारा तेल है, ये भी सरसों का तेल है। और इसमें डालेंगे वन पिंच हींग, और ये लहसुन की कलियाँ हमने छील के रखी हुई हैं, करीब ये 10-12 लहसुन की कलियाँ हैं। और इसके ऊपर हम डालेंगे करीब 1.5 चम्मच विनेगर, वाइट विनेगर है, इसको डालेंगे। और इसे हम कट करके पूरा, और इसे पानी में हमें बॉईल करना है, बहुत ज़्यादा हमें इसे मुलायम नहीं बॉईल करना है, करीब बार बॉईल करेंगे, 2-4 उबाल आएगा फिर हम गैस को बंद कर देंगे। तो पहले इसे हम काट लेते हैं फिर इसको बॉईल करेंगे। बर्तन हमने लिया है, और ये जो हमने अपने सिंघाड़े काटे थे उसको हमने सब इसमें डाल देना है, और इसमें हम पानी डालेंगे, पानी करीब 1 कप जैसा हमने पानी डालना है। और इसे हम डालेंगे करीब 5 मिनट तक पकाएंगे, फिर हम बीच में चेक कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे उबालना नहीं है, ये अंदर से थोड़ा सा कुक हो जाए बस, ठीक है। इसे ढक दे रहे हैं, अब इसे हम मसाले तैयार कर ले रहे हैं। ये लहसुन डालेंगे पहले, उसके बाद इसमें हमने ये सरसों के दाने, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, एक साथ हम इसलिए डालते हैं कि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिल भी जाएंगी। और नमक आधा हम डालते हैं, आधा रख लेते हैं, बाद में डालेंगे। और इसी में हमने थोड़ा सा हींग भी डाल देना है, 1 पिंच हम हींग डालेंगे, और थोड़ा सा पानी लेंगे हम, देख लेते हैं ये 1 चम्मच जैसा पानी है, देखेंगे। और फिर जब नहीं पीसेगा तो फिर से वापस थोड़ा सा पानी और डालेंगे, डाल के हम अच्छे से मिक्सी में पीस लेंगे। हम देख लेते हैं हमारा सिंघाड़ा कुक हो गया, हमने गैस को बंद कर दिया है, करीब 4-5 मिनट हमने इसको बॉयल किया, और ये अच्छी तरह से हमारा कुक हो गया। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल के ठंडा कर लेते हैं। हमारा देखिए ये सिंघाड़ा एकदम ठंडा हो गया है, ठीक, हमने पंखे की हवा में करीब 4-5 मिनट रख दिया, आराम से ये ठंडा हो गया। और ये जो हमने मिक्सचर रखा था इसको हमने पीस लिया था, 2 बड़े चम्मच हमारे पानी का इस्तेमाल हुआ है इसमें, और ये अच्छे से पिस गया है। इसको हम निकाल लेते हैं और इसमें तुरंत इसको हम डाल देंगे, डाल के और अच्छे से मिक्स करेंगे। सारा हमने निकाल लिया, और इसको एक बड़े चम्मच की सहायता से, आप हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन हम चम्मच से ही अच्छे से इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर दिया, और इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड करेंगे, थोड़ा नमक हमने इसमें डाला था, और थोड़ा सा और आप टेस्ट कर लीजिएगा, टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसी में हमारा जो ये सरसों का तेल है वो हम डाल देंगे, 2 बड़े चम्मच हमारे सरसों के तेल हैं। इसी के साथ ये हमारा 1 बड़ा चम्मच करीब विनेगर है, 1 से 1.5 भी हो सकता है, आप देख लीजिएगा। और ये हमने अच्छे से देखिए मिक्स कर दिया, आप इसे तुरंत भी खा सकते हैं, ये तुरंत खाने के लिए होता है, लेकिन आप इसे करीब 10 मिनट रेस्ट पे रखेंगे तो जिसका इसका जो अरोमा है इसके अंदर सिंघाड़े में आ जाएगा तो और टेस्ट लगेगा। देखिए एकदम रेडी है हमारा सिंघाड़े का अचार, अच्छे से रेडी हमारे सिंघाड़े का अचार एकदम तैयार है। ये सीजनल अचार है, इसे आप 10 दिन फ्रिज में रख के आराम से खा सकते हैं। हमने बहुत सारे अचार आपको रेसिपी बताई है, चने का अचार, आम का अचार बताया है, तो इसमें से ये है कि अचार आप इसको
ज्यादा दिन रख नहीं सकते हैं, फ्रिज में रख के 1 हफ्ते 10 दिन तक खा सकते हैं। बट ये टेस्टी बहुत लगता है और हमारे सेहत के लिए भी लाभकारी है, तो आप इसे एक बार ट्राई करें। पानीफल या सिंगाड़ा जिस नाम से आप जानते हो, इसका अचार तुरंत बनाएं और तुरंत खाएं। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।